हेलो टू ऑल द एस्पिरेंट्स, सभी बच्चों का स्वागत है इंडिया के इकलौते डेडिकेटेड बैंक और इंश्योरेंस चैनल दैट इज अडर 24/7 बैंक एंड इंश्योरेंस। तो यार एक सवाल, जब से LIC का नोटिफिकेशन आया है, सिर्फ एक सवाल बच्चों को जो दिख रहा है, सर क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है? इज देर इज एनी नेगेटिव मार्किंग इन LIC WO 2019 एग्जाम और नॉट? तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसका हमारा जो सोर्स है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो प्योरली प्योरली जो नोटिफिकेशन आया है वो ही है। ध्यान रखिएगा, जो नोटिफिकेशन है LIC का वही हमने इंटरप्रेट हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज यार कंफ्यूज मत होना, हम सिर्फ वही आपके सामने लाइन डिस्कस करेंगे जो LIC WO के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है, जो आपको मिल जाएगी bankerdata.com पे। और अगर बाई चांस कोई डाउट हो तो मैं पहले ही शेयर कर लेता हूँ, मेरी ID है gopal.anand@@247.com। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से एक बार आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है जब LIC ने नोटिफिकेशन निकाला, तो LIC brought out the notification for the recruitment of assistant administrative officer on 2nd of March. अब जो प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, what's making the LIC WO candidates scratch their heads is the absence of mention of negative marking in the official notification. मतलब बच्चे यहाँ पे ये समझ ही नहीं पा रहे कि सर क्या तुक्का मारना है। मतलब obviously why you are discussing about negative, why we are discussing about negative marking is that कि आपका यही है यार, तुक्का लगे लगाए ना लगाए, मैक्स अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले तो यार हो या ना हो, बट अब हमें गेस प्रीलिम्स में हमारा फोकस रहता है अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज करना, बट ज़्यादा भी मत करके आना। मतलब कि मैक्सिमाइज करने के चक्कर में तुक्के ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए। तो अब देखते हैं क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या कहते हैं। गेस स्टूडेंट्स, द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ LIC WO यही कहता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस answered correctly by a candidate in each objective test is considered for arriving at a score. इसका मतलब क्या है? For example, let's say हम prelims की बात करते हैं। तो बच्चों prelims में हमें पता है कि maths आएगा, reasoning आएगा, English आएगा। English तो already qualifying है, आपने पढ़ लिया होगा। तो English का तो वैसे ही आपको क्या करना है, आपको सिर्फ cut off clear करना है बस, score इसका वैसे ही count नहीं होना। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है बच्चों? इस लाइन का मतलब है कि लेट से 35-35 क्वेश्चन इसमें आएंगे, आप 20-20 करके आए, और आपके अगर करेक्ट 15 हुए और इनकरेक्ट कितने हुए, इनकरेक्ट 5 हुए, आपका उस टाइम पे स्कोर क्या बनेगा बच्चों? तो आपका स्कोर बनेगा 15+15, तो 15 क्वांट किया है, 15 रीजनिंग है, कुल मिला के 30। मतलब जो यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग से, गलत क्वेश्चन करने की वजह से मार्क्स कम होते थे, वो इसमें नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो, विच मीन्स दैट द आंसर्स मार्क्ड विल बी टेकिंग टू कंसिडरेशन टू अराइव एट द फाइनल स्कोर। ठीक है, तो भाई ये लाइन उन्होंने दी हुई है, इस लाइन का इंटरप्रिटेशन उन्होंने बता दिया। तो क्लियरली बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग वी कैन से बच्चों LIC ने क्लियरली बोला है कि वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, अगर हम पुराना नोटिफिकेशंस की बात करें, जो जब 2016 में आया था, तो उस टाइम पे थी, बट उस टाइम पे क्लियरली लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में कि है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि उस टाइम पे थी? क्यों, कैसे कम कह रहे हैं? बिकॉज एट दैट मोमेंट उसने क्लियरली दिया हुआ था, फॉर ऑल आंसर्स रॉन्ग मार्क एंड इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग इट वॉज मैंशनड इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। बट इस बार जो नोटिफिकेशन आया है, उन्होंने क्लियरली वी कैन से दैट देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग आइदर इन प्रीलिम्स और इन मेंस। ठीक है, तो एज पर द करंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन वी कैन से कि भैया नहीं है। हाँ, अब हो सकता है यार, पता नहीं LIC वालों को एंड में यार एंड के एग्जाम से एक महीना पहले या 15 दिन पहले याद आए कि सर हो नहीं यार, हम तो बताना भूल गए। तो ऑब्वियसली वही हमने लिखा हुआ है, फॉर फर्दर डिटेल्स वी कैन वेट फॉर द इन्फॉर्मेशन हैंड आउट विच इज बीइंग यूजुअली रिलीज विद द एडमिट कार्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो अभी के लिए अगर आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करते जाओ, अटेम्प्ट्स मारते रहो, अगेन हैबिट इसको मत डाल देना, क्योंकि IBPS में रहती है। ठीक है, तो बच्चों ये तो आपका एक क्वेरी क्लियर हो गया है, मेरे हिसाब से हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो यार भाई ये मेल ID करती है। ठीक है, और प्लीज यार बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछना, कुछ भी मत पूछ लेना फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। और
Why now delaying for the for your preparation? यार गोल गवर्नमेंट जॉब LIC का स्टडी प्लान ऑलरेडी लाइव हो चुका है bankadata.com पे. यहाँ पे हम आपको क्या दे रहे हैं, यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं स्टडी कॉन्टेंट जो कि है फ्री. ठीक है, जो कि है फ्री, जिसमें मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग आपको मिल रहा है स्टडी कॉन्टेंट के तौर पे. तो जो कि हम आपको इसमें दे रहे हैं फ्री स्टडी कॉन्टेंट जो आपको इसमें दिया जा रहा है. इसके अलावा बच्चों ये हमारा पेड कंटेंट है जो हम लोगों ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है. तो हम लोगों ने लॉन्च कर दी है द बुक्स किट. इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने वी हैव आल्सो लॉन्च द LICW 20 मॉक्स का बुक भी. ठीक है, स्टोर पे अवेलेबल है. फिर हमने LIC प्राइम पैकेज हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है. LICW का वीडियो कोर्स लाइव हमने कर दिया है और LICW का बैच भी जो है वो हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है. तो ये हमारे पेड कंटेंट है. अगेन इफ इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल फॉर दैट. आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा store.adda247.com. ठीक है बच्चों, तो ये पेड कंटेंट है LICW प्रीलिम्स की बुक, LIC प्रैक्टिस बुक, LICW प्राइम पैकेज, वीडियो कोर्स एंड LICW का लाइव बैच. इसके अलावा एज पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन नेगेटिव मार्किंग नहीं है. कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो भाई ये मेल आईडी है और ये है आपका द गोल्ड स्टडी प्लान. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.